आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के बाद राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है, वहीं अब कारोबार फिर से पटरी पर आने लगे हैं। पिछले साल कोरोना काल में लालकुआं क्षेत्र के एकमात्र नवनिर्मित हल्दू चौड़ स्थित सिनेमा घर मूवी जोन का आज विध्वंस रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मूवी जोन में हिंदी फिल्म पुष्पा मूवी देखी। इस दौरान उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर मूवी जोन के स्वामी योगेश महतोलिया को शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मनोरंजन के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना शुभाशीष दिया और इसका विधिवत उद्घाटन उन्होंने किया है। और आगे उन्होंने बोला है कि हम इसको संस्कृति के लिए, हमने जैसे कुमाऊनी हो गया या कुछ और जो भी हमारी यहाँ की लोकल भाषा में है मूवी जो रहेंगी वो भी प्रदर्शित किया जाएगा और इस सीन को हम चाहेंगे कि आगे भी बढ़ाएंगे। और स्पेशली ये हमने जो ट्रेन है अपनी बनाई है मूवी जोन करके है, बाकी इसका टाइप जो है ऑल ओवर इंडिया मल्टीप्लेक्स ट्रेन से टाइप है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे कुछ लोकल फिल्में, शॉर्ट फिल्में भी बनेंगी, वो भी लगेंगी। इससे लोगों को एजुकेट करने में बड़ी मदद मिलेगी और ये एक अच्छा कॉमर्शियल वेंचर साबित होगा, इसका मुझे भरोसा है। और वैसे भी लालकुआ से लेकर के इस क्षेत्र में जो है पूरी ऐसी संभावना है, यहाँ के लोगों को एक अच्छा इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। मैं बधाई देता हूँ लोगों को, जो है खोलिया जी को, इन लोगों को, योगेश जी और सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बधाई के बाद। आईआईटी रुड़की ने कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के लिए किसान मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। आईआईटी के जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग की ओर से ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के किसानों ने भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो के सहयोग से विकसित मोबाइल ऐप किसान का लोकार्पण किया गया। सेवाओं के तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आसानी से किसानों तक समय पर पहुंचने के उद्देश्य से आईआईटी रुड़की की ओर से राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो के सहयोग से विकसित मोबाइल ऐप किसान का लोकार्पण किया गया। काफी वृद्धि हुई है, काफी उसमें नए नए तरीके के स्रोत आए हैं और अब मौसम की जो भविष्यवाणियां होती हैं उसमें काफी एक्यूरेसी आ गई है। लेकिन समस्या ये है कि उसको कैसे अपने किसान भाइयों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं एक ही ज़िले में ऐसा नहीं है कि पूरे ज़िले में बारिश होती है, किसी ब्लॉक में हो रही है, किसी में नहीं हो रही, और वैसे ही उसका समय के साथ परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि हम पूरे महीने के लिए भविष्यवाणी दे दें, हमको भविष्यवाणी लगातार देनी होती है और ब्लॉक स्तर पर देनी होती है। तो इसमें मोबाइल फ़ोन और मौसम विज्ञान दोनों का संगम हुआ है और इस संगम को कराने में आईआईटी रुड़की ने अपना योगदान दिया है और इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि हम मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ हैं, जो पूर्वानुमान है, वो हम अपने किसान भाइयों को ब्लॉक स्तर पर रेगुलर तरीके से पहुंचा पा रहे हैं। उसमें कुछ प्रोग्राम करके किसान भाइयों जिनके पास स्मार्टफोन होगा, तो जैसे यहाँ जो व्यवस्था किए थे इस कार्यक्रम का, जैसे प्रोफेसर आशीष पांडे जी हैं, अरविंद श्रीवास्तव जी हैं और किसान मित्र, कुछ अवार्ड दिया गया, तो किसान मित्र लोग हैं तो वो जाहिर है कि पढ़े लिखे हैं, तो वो दूसरे किसान भाइयों को जिनके पास स्मार्टफोन है उनको हेल्प कर सकते हैं डाउनलोड करने में ऐप को, और एक बार थोड़ा सा दिखाना भी पड़ेगा कि देखिए ऐसे एक्सेस करना है। एक बार आ गया तो फिर किसान भाई को, क्योंकि उनके इंटरेस्ट का बनाया गया है, उनको जरूरत है और उनके इंटरेस्ट का है, मददगार साबित होगा। वन निगम के द्वारा 7 गेट को काफी दिनों से खोला गया है पर फिर भी वहां पर उफ खनिज उत्थान बहुत कम मात्रा में हो पाया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि रामपुर क्षेत्र से चिड़ियापुर तक वन निगम के 7 गेट हैं, जिसमें उपखनिज उत्थानों की क्षमता करीबन 17 लाख के आसपास है और इन गेटों से उपखनिज तकरीबन 4 लाख के आसपास उठाया गया है, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। हमारे वन निगम के 7 प्लॉट हैं, रवासन फर्स्ट, रवासन सेकंड, कोटावाली, गंगा चिड़ियापुर, गंगा श्यामपुर, गंगा भोगपुर, गंगा बिशनपुर,
सात लॉट हैं वन निगम के जो संचालित चल रहे हैं इस समय। मैं सातों लॉटों में 17,70,000 घन मीटर आवंटित है, खनिज निकाल सकते हैं इससे ना, और अभी तक मात्र 4,00,000 घन मीटर निकला है। कारण तो एक तो जो हमारा जो इस बराबर में पट्टे खुल गए हैं उनके रेट कम हैं, हमारे रेट ज़्यादा हैं, चूँकि फॉरेस्ट लैंड है हमारे पास और फॉरेस्ट लैंड में 5 रुपये कुंटल जो है उसकी ट्रांजिट फीस पड़ती है, तो रेट हमारे ज़्यादा हैं, उनके रेट जो है कम हैं। लक्सर के खानपुर पुलिस को सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को खानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि 19 अक्टूबर 2021 को लालचंदवाल मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने फाइनेंस कंपनी के एक बड़े कर्मचारी के साथ तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कर्मचारी के से 8,000 नगद, एक टेप मिनी प्रिंटर मशीन, बैंक के कुछ दस्तावेज तमंचे के बल पर लूट लिया था। अभियुक्त हैं, इन्होंने 2021 वर्ष में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगातार दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें लूट के साथ साथ फायरिंग की घटना भी हुई है इनके साथ। तो इनको तो उधर जो मोडस ऑपरेंडी इनका था वो यही था कि सुनसान रास्ते पर ये लोगों को देख के उनको पैसा इनको छीनते थे और फायरिंग करते थे, तो इनको एक तमंचे और नकली के साथ गिरफ्तार। हरिद्वार में अवैध गतिविधियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रानीपुर कोतवाली पुलिस ने गोकुल वाटिका जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति से 12 बोर का एक अवैध तमंचा बरामद किया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त राम सिंह जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। खबर लालकुआ से है, जहां इंडियन ऑयल डिपो के पास 2 अनियंत्रित वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें वाहन सवार सभी युवक घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पास अचानक एक डंपर रोड क्रॉस करने लगा, जो कि मैं पीछे से बहुत पहले से हॉर्न बजाता हुआ आ रहा था, तो उसने ये नहीं देखा कि पीछे से ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। डंपर चालक अपने वाहन को रोड क्रॉस कराता रहा और गाड़ी के पिछले हिस्से में डंपर आगे की तरफ से लगा, जो कि गाड़ी अनियंत्रित हो गए, खड्ड में जा गिरी। मेरे साथ 2 लेडीज और थी, मेरी बहन थी, मेरे छोटे भाई की वाइफ थी, हम तीनों ने सीट बेल्ट लगाया था जिससे कि हमारा बचाव हो सका। तो मेरा मैसेज यही है कि जब भी गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट पहले लगाएं, सीट बेल्ट से ही सुरक्षा है। खबर काला ढूंगी से है, जहां अभिभावकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मनमानी फीस लेने का आरोप लगाया है और कहा निजी विद्यालयों में लगातार फीस की बढ़ोतरी की जा रही है। ये फीस बढ़ा दी गई है, इसको लेकर हम काफी गुस्से में है, क्योंकि इनकी अपनी मनमर्जी चल रही है। जब सरकार द्वारा आदेश ये है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, तो ये फीस वृद्धि कैसे कर सकते हैं? जैसे इन्होंने जनरेटर फीस वगैरह और ये फीसें बढ़ाई हैं, तो आप बताइए सर्दियों के महीने में कौन से जनरेटर चल रहे हैं इनके स्कूल में? इनको तुरंत इस फीस वृद्धि को कैंसिल करना चाहिए और इनको अपनी जो इतना फीस बढ़ा के और किसी पेरेंट से ली है तो इनको वापस करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, ठीक है ट्यूशन फीस है हम शुरू से देते आए हैं, हम अभी भी देंगे। अभी तक किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं की है और जो एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में लिया गया था उसमें फीस नहीं लिया है। अभी जो मार्च में जो एग्ज़ाम आएगा उसी का फीस लिया है, बस उसके अलावा कोई फीस नहीं लिया। किसी बच्चे को ना प्रताड़ित किया है, ना किसी बच्चे को एग्ज़ाम में ना बैठने देने की कोई बात हुई है, ना किसी को बैठने दिया गया। जिला अस्पताल पौड़ी के पास डॉक्टर आवासीय कॉलोनी में बीती शाम को 2 गुलदारों को देखा गया, जिसमें डॉक्टर कॉलोनी और आसपास के इलाकों के लोग दहशत में हैं। डॉक्टरों और कर्मचारियों ने वन विभाग से गुलदारों को पकड़ने की गुहार लगाई है। वहीं पीके जैन का कहना है कि यह आवारा जानवरों के कारण लगातार क्षेत्र में गुलदार 3 देखने को मिल रहे हैं और नगर पालिका को भी लिखित सूचना भी दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर टीम ने रात को गश्त किया। ही वन विभाग को गुलदार दिखाई देने की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही वन क्षेत्र अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वहां पे शाम को रात को नियमित रूप से गश्त की जा रही है रेस्क्यू टीम के द्वारा और वहां पे पिंजरा भी लगा दिया गया है वन विभाग के द्वारा और अभी आज भी उसके गुलदार के संबंध में नियमित रूप से गश्त की जा रही है। रात को कर्मचारी जैसे ही रात का समय होता है वहां गश्त के लिए चले आते हैं, रात भर वहां गश्त करते रहते हैं। वहां पे पकड़े के जाने के संभावना है सर उनके? अब देखो पिंजरा तो लगा दिया गया है, जैसे ही पिंजरे में कैद होगा उसके बाद उसको रेस्क्यू कर दिया जाएगा।
खबर सितारगंज से है, जहां लक्ष्मी स्टोन क्रेशर सितारगंज के खिलाफ वाहन स्वामियों में आज गुस्सा फूट गया। उन्होंने कहा कि साल में उनके वाहन केवल 5 महीने ही चलते हैं, जब धनौर के पट्टों पर काम चलता है, बाकी 7 माह उनके वाहन घरों में खड़े रहते हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीजन में स्टोन क्रेशर द्वारा लगातार कीमत घटाकर उनसे खरीद की जा रही है। वाहन स्वामियों ने लक्ष्मी स्टोन क्रेशर पर यह भी आरोप लगाया है कि टनकपुर में 180 क्विंटल क्षमता वाले ट्रक में ओवरलोड 400 से 500 क्विंटल माल बिना रॉयल्टी बिना किसी कागज के लक्ष्मी स्टोन क्रेशर को दी जा रही है, जिसके कारण स्टोन क्रेशर हमारे माल का रेट आए दिन कम करते। हमारे समस्त ड्राइवर और गाड़ी उतारने वाले लेबर मजदूरों के बच्चों का और हमारा पालन पोषण होता है। दूसरी बात, लक्ष्मी स्टोन क्रेशर के स्वामी अपनी मनमानी 11 तारीख से करते चले आ रहे हैं। हमें पहले गाड़ियों का कहा गया कि आप अपने पैसों से रॉयल्टी कटा कर लाइए, जब अपने पैसों से रॉयल्टी कटा कर ला रहे हैं तो फिर उन्होंने अपनी मनचाही बिना नोटिस दिए बिना बताए, आज जब गाड़ियां पहुंचती हैं स्टोन क्रेशर पर खाली होने के लिए तो 5 रुपये 4 रुपये कम करके रेट लगाने का इन्होंने अपने आप निर्णय लिया। हम शासन प्रशासन से बस यही अनुरोध करते हैं और इस उत्तराखंड सरकार से कि ये मनचाही क्रेशर वालों की मनचाही लक्ष्मी स्टोन क्रेशर वाहन स्वामी भी होश में आ जाए और ये सुन ले, अगर ये मनचाही बंद नहीं की तो हम गेट पर अनशन लगाने को तैयार बैठे हैं, भले ही हमें अपने भी बच्चे यहाँ लाकर बैठाने पड़ जाए। वहीं माजरी के रहने वाले दिनेश की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, 2 दिन पहले माजरी गुम्मावाला निवासी दिनेश की मौत के मामले में चचेरे भाई की तहरीर पर पुलिस ने घोड़ा बुग्गी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। प्रथम दृष्टया मौत का कारण गुलदार का हमला माना जा रहा था। कुछ ग्रामीणों ने मौके पर गुलदार देखे जाने की पुष्टि भी की थी, लेकिन जाँच के बाद मामला कुछ और ही निकला। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के विकास नगर की आसन झील में ऐसे मेहमानों का आगमन हुआ। अभी तक झील में हजारों प्रवासी परिंदों के डेरा डाला हुआ है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर बैराज झील में पहुंचे प्रवासी पक्षी आकर्षण का केंद्र बने हैं। बता दें कि विकास नगर की आसन झील इन दिनों इनके चहचहाट से गुलजार है। वहीं मेहमानों की सुरक्षा में चक्राता वन प्रभाग इनकी सुरक्षा में रात दिन गश्त में लगा है। मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के विकास नगर तहसील क्षेत्र के आसन झील में। यहां पर लगभग जो है पिछले अक्टूबर प्रथम सप्ताह से यहां पर साइबेरियन परिंदों का प्रवास हुआ है और मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये परिंदे अपने प्रदेशों को लौट जाएंगे और एक भाईचारे का संदेश देते हैं। जैसे सीमाओं पर तमाम बंदिशें हैं, बिना वीजे के इस एक देश का इंसान दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकता है, तमाम बंदिशें हैं, लेकिन इन साइबेरियन परिंदों के लिए कोई बंदिश नहीं है। यहाँ पर पक्षी प्रेमी आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या राय रखते हैं, क्या आशा रखते हैं सरकार से, क्या कहेंगे इन पक्षियों के बारे में। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ही एक सिंबोलिज्म है हमारे वर्ल्ड पीस का। कहीं पर भी कोई रोक नहीं है, हम ये नहीं सोच रहे कि हम किस जाति किस किस को बिलोंग करते हैं, मतलब सब में एक यूनिटी है, कोई वीज़ा नहीं, कहीं बस जहाँ उनको अच्छा लगा, मतलब जहाँ उनकी एक प्रकृति के नियम से के अनुसार जहाँ उनको लगा कि हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और हम प्रोक्रिएट कर सकते हैं, वहीं वो लोग आ जाते हैं उड़ाने उड़ के। इंसानों पर भी ऐसा ही हो और हम लोग एक बिल्कुल भाईचारे प्रेम और एक मानव प्रेम का एक मैं तो संदेश देना चाहूँगी। अगर पक्षी और ये सब का इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं इंसान बन सकते। तो क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, सरकारों को, इनको प्रिजर्व करना चाहिए, जो इनका हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। सर मैं तो ये कहूँगी कि सरकार को तो पहली बात तो ये है कि मतलब छोटे वे में तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप जो भी है आप हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए आप एक एफर्ट करें, स्पेशली एक बहुत ज़्यादा एफर्ट, एक सस्टेनेबल एफर्ट होना चाहिए। और जितने जैसे हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर, उनको देखना चाहिए कि हम लोग यहाँ प्लास्टिक जनरेट नहीं करें, वेस्ट जनरेट नहीं करें, क्योंकि ये अगर जैसे जैसे ये सब बदलता जाएगा ये पक्षी नहीं आ पाएंगे। क्लाइमेट चेंज इतना होता जा रहा है, ये जो अपने नेचुरल हैबिटेट से ये हट रहे हैं तो ये आएंगे ही नहीं। तो ये तो मैं एक पहला संदेश है। और दूसरा संदेश, अगर वर्ल्ड पीस के बारे में बात करें, देखिए हम छोटे छोटे सस्टेन एनवायरनमेंट जैसे अपने घर से लेके परिवार से लेके एक समाज से लेके हम देश विदेश पूरी मतलब जगत में पूरे मेरे को लगता है एक मानव भाईचारे और प्रेम का ये विश्व शांति का एक ये मेरे को लगता है स्वरूप है, एक मैसेज है सबके लिए कि चलिए आइए हम ऊँची ऐसी प्यार की उड़ाने भरें और जाएँ जहाँ पर अपना दिल बिल्कुल आनंद ही आनंद हो, बस मैं तो ये कहूँगी। सचमुच ये जो
परिंदे हैं, साइबेरियन परिंदे हैं, ये हमारे जो विदेशी साइबेरियन परिंदे मेहमान बन के आए हैं, एक संदेश देने का काम करते हैं और एक संदेश दे के चले जाते हैं अपने प्रदेशों को। लेकिन हमारी सरकारों को भी सोचना चाहिए कि पर्यावरण को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए कुछ आगे कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ साफ बन सके। टेहरी में बांध प्रभावित जाखड़ीधार ब्लॉक के ग्राम में एक मकान टूट गया। गांव के लोग कई सालों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। टेहरी झील के कारण गांव के अधिकांश मकानों में दरार पड़ी है। भटकंडा की प्रधान मधु भट्ट और पूर्व प्रधान प्रदीप भट्ट ने बताया कि गांव के राजेंद्र प्रसाद का मकान टूट गया, वह बाहर वाले कमरे में रह रहे थे। 29 गांव और रौलाकोट के मामले हैं तो उनपे सभी पे कार्रवाई हो रही है। 29 गांव में 74 लाख रुपए की धनराशि जमीन की और बाकी मकान वगैरह का अलग से दिए जाना है तो उसकी भी कुछ गांव की धनराशि में प्राप्त हो गई है। आचार संहिता के उपरांत वो भी जारी कर देंगे और उसके अलावा जिन गांवों का भी THDC को डिमांड जाना है तो उसमें बनाए जा रहे हैं उसकी पात्रता के और मूल्यांकन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आज जो सूचना मिली है तो उसको उसकी उसको एक बार चेक कराया जा रहा है कि ये क्या 29 गांवों में विस्थापित जो प्रस्तावित हैं उनमें ये भी। खबर ऋषिकेश से है जहां राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में दो हाथियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया जिसमें दोनों हाथियों की मौत हो गई। बता दें कि हाथियों का शव छिदरवाला के पास शोंग नदी में बरामद हुआ है। टाइगर रिजर्व पार्क की टीम को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मालूम है कि परसों 19 तारीख को एक हाथी ब्लॉक रॉयल बीट के सुसवा में मौके पर ही हो गया था। उसके नियमानुसार पोस्टमार्टम के उपरांत फिर सभी अधिकारियों से और विचार विमर्श के बाद ये हुआ भी दूसरे जब आपसी संघर्ष हुआ है तो दूसरा हाथी भी कहीं इंजर्ड होगा। तो उसमें कल 18 तारीख को पूरे दिन भर हम लोग पूरे स्टाफ कांसरो रेंज और मोतीचूर रेंज के पूरे स्टाफ से कुंबिंग करवाई और इधर डॉग स्क्वाड जो हमारे पास है आसरूड़ी में डॉग स्क्वाड की टीम बुला करके उसके ब्लड से वो घुमाया गया लेकिन शाम तक कोई पता नहीं लगा। रात्रि के 8:30-8 बजे तक हम लोग रहे। आज प्रातः ही यहीं पे साहबनगर जो सुसवा नदी के किनारे गांव है यहां पे हमारे जो बीट सहायक हैं इन्होंने 7:30 बजे। खबर हरिद्वार से है जहां पर हिमांशु पाल ने सिटकुला थाना में लिखित शिकायत दर्ज की थी। अज्ञात चोरों के खिलाफ मोबाइल चोरी होने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुखबिर की सूचना पर सिटकुला थाना क्षेत्र स्थित गणेश धर्मकाटा से 3 मोबाइल सहित पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों गिरफ्तार अभियुक्त को कोर्ट के सामने रखा गया, संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।